करेंसी डिमोनेटाइजेशन के तहत जो सरकार है वो पुरानी करेंसी को ख़त्म कर देती है और उसकी जगह पर नई करेंसी को अपनाती है, यानी कि पुरानी जो करेंसी है उसकी वैधता ख़त्म कर दी जाती है और उसकी जगह नई करेंसी का निर्माण करा जाता है। आमतौर पर इकोनॉमी में काले धन की मुद्रा को ख़त्म करने के लिए डिमोनेटाइजेशन का सहारा लिया जाता है। जब काला धन इकोनॉमी के लिए खतरा बन जाता है तो इसे दूर करने के लिए डिमोनेटाइजेशन को अपनाया जाता है। जिसके पास ब्लैक मनी होती है वो उस ब्लैक मनी को एक्सचेंज करवाना चाहता है और उसके बदले में वो एक्सचेंज नहीं करवा पाता है, जिस वजह से ये ब्लैक मनी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। भारत में फेक करेंसी से निपटने के लिए शुरुआत 1991 में हुई थी। 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद चार कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस की सरकार को सन 1996 और 1997 में 3,35,900 करोड़ रुपए की नई करेंसी निकालने की ज़रूरत पड़ी। सरकार ने ब्लैक मनी से निपटने के लिए वॉलंटरी इनकम एक्सपोजर स्कीम की शुरुआत करी तो उसमें में लगभग 33,000 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी सामने आई। आरबीआई के टैक्सल की क्षमता 2,16,575 करोड़ की थी, जिसमें विदेशों से 1,20,000 करोड़ रुपए के नोट छपवाने की मांग उठी। इंडियन करेंसी छापने के लिए बाहर की कंपनियों को एक स्पष्ट ऑर्डर करा गया कि वे भारत की करेंसी नोट के प्लेट को और स्याही वाटरमार्क के पेज को भारत सरकार को सौंपेगी। वैसे उस समय में इंग्लैंड की कंपनी डेलारू देश और विदेश की गवर्नमेंट के नोटों को छापती थी। अगर देश में करेंसी की ज़रूरत है तो सरकार दो काम कर सकती है, एक तो वो काले धन को बाहर निकाले या फिर उसके बदले में नई मुद्रा को छापे। 1996 और 1997 में हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इन दोनों कामों के लिए काफ़ी लापरवाही बरती। अगर इन दोनों फैसलों में से देखा जाए तो डिमोनेटाइजेशन का फैसला एक काफ़ी अच्छा फैसला है, जिसमें एक ही बार में दोनों समस्याओं का समाधान देखा जा सकता है। एक बार फिर 8 नवंबर 2016 की आधी रात को देश में चलने वाले 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा करी कि 500 और 1000 के नोटों को बैंक और डाकघर में जाकर बदलना होगा। आज डिमोनेटाइजेशन को करे हुए 3 साल पूरे हो चुके हैं और इस डिमोनेटाइजेशन से हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमारी इकोनॉमी को क्या फ़ायदा हुआ, आज तक हमें ये क्लियर नहीं हुआ है। पर बीजेपी सरकार कहती है कि इससे देश को काफ़ी फ़ायदा हुआ है, पर जैसे कि हम इकोनॉमी में देखते हैं इससे इकोनॉमी का और भी बुरा हाल हुआ है। डिमोनेटाइजेशन के बाद किए गए बड़े बदलाव जीएसटी को भी एक फेलियर माना गया है। जीएसटी का जो भी परिणाम है आज हमारी इकोनॉमी में साफ दिख रहा है, पर गवर्नमेंट का ये बोलना है कि इससे देश का भला होगा। आज डिमोनेटाइजेशन का असर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, लोगों ने पुराने 500 और 1000 के नोटों को बदलवा लिया है, पर ब्लैक मनी कुछ भी सामने नहीं आई है। अगर हम आरबीआई की रिपोर्ट के बारे में बात करें तो आरबीआई ने बता दिया है कि नई करेंसी पूरी तरह से इंडियन इकोनॉमी में सर्कुलेट हो चुकी है और ब्लैक मनी सामने नहीं आई है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।